हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर वर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब कारगिल विजय दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 26 जुलाई को विश्व कारगिल विजय दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आती है आखिर यह कारगिल विजय दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो यह 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब कारगिल युद्ध हुआ था, उसी कारण वीर सैनिकों को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये जो 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच ये जो मध्य कारगिल युद्ध हुआ था, ये 60 दिनों तक चला था और ये 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था, यानी 26 जुलाई को ये समाप्त हुआ था कारगिल युद्ध। इसी कारण हर साल 26 जुलाई को विश्व कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की पहली वैद्युतीकृत डबल स्टेट कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा में किया जा रहा है। कहां पर? हरियाणा के सोहना के पास में किया जा रहा है, यानी जो हरियाणा है उसके अंदर सोहना में किया जा रहा है। और इस सुरंग की लंबाई करीब 1 किलोमीटर होगी, यानी जो डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जाएगा इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होगी। और इस सुरंग से एक डबल कंटेनर मालगाड़ी जो 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने वाली सक्षम होगी। और यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, इसकी ऊंचाई 11.7 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होगी। ये जो डबल स्टेट कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में, इसकी ऊंचाई 11.7 मीटर होगी और चौड़ाई 15 मीटर होगी। और यह सुरंग अरावली की पहाड़ियों के बीच किया जा रहा है, यानी जो सुरंग है इसका निर्माण अरावली की पहाड़ियों के बीच किया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हरियाणा ने अभी डबल स्टेट कंटेनर सुरंग के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो अभी हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई है, वह भारत के 11वें राष्ट्रपति। कौन से? 11वें राष्ट्रपति थे। और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों के व्याख्यान देते हुए इनका निधन हो गया था, 27 जुलाई 2015 को। और ये 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। और ये जो राष्ट्रपति थे 11वें, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 यानी जो ये राष्ट्रपति थे 11वें भारत के, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक का था। और इनकी मृत्यु यानी निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ था। और ये 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2020 में डीआरडीओ द्वारा कोरोना रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल किस राज्य में स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो अभी हाल ही में जो डीआरडीओ द्वारा कोरोना रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल को बिहार में स्थापित करने का फैसला लिया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन दो अस्पतालों की स्थापना पटना और मुजफ्फरनगर में की जाएगी, यानी जो बिहार में होगा यह 500 बिस्तर का जो स्थापित किया जा रहा है बेड अस्पताल, यह स्थापना पटना और मुजफ्फरनगर में की जाएगी। और यह अमेरिकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि बिहार ने कोविड-19 डेटा रिपोर्टिंग में सबसे खराब काम किया है, और इसी कारण 500 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बिहार में स्थापित किया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत ने टीबी की दवा के रूप में किस देश को $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में जुलाई 2020 में भारत ने टीबी की दवा के रूप में उत्तर कोरिया को, किसको? उत्तर कोरिया को $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करने का
फैसला लिया है। तो यह भारत ने नॉर्थ कोरिया को 10 लाख डॉलर की मेडिकल सहायता प्रदान करेगी। अब बात आई है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग कौन सी है? प्योंगयांग। और इसके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया को भारत ने टीवी की दवा के रूप में 10 लाख मिलियन डॉलर मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और यह ऐप देश भर में 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। और यह जो ऐप है, मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए शहर का तापमान, सूरज के उदय और अस्त का समय भी बताएगा। और ये अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में जो तंजानिया है, कौन है? तंजानिया के जो पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा है, इनका निधन हो गया। ये आपकी स्क्रीन पर बेंजामिन उमकापा है और इनका अभी हाल ही में 2020 में, जुलाई 2020 में निधन हो गया। और यह 1995 के 2000 से 2005 के मध्य तंजानिया के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। यानी जो तंजामिन उमकापा हैं, 1995 से 2005 के मध्य तंजानिया के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं ये बेंजामिन उमकापा। अब बात आई है तंजानिया की, जो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, कौन है? डोडोमा। और इसकी करेंसी है तंजानिया शिलिंग। कौन सी है? तंजानिया शिलिंग। और इसके राष्ट्रपति हैं जॉन पोम्पे मैगफुली है। कौन है प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति? जॉन पोम्पे मैगफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट किसने दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने जुलाई 2020 में रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का लोगों को नौकरी देने वाले और नौकरी की चाह रखने वाले दोनों का फायदा कराने के लिए यह रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। और यह नौकरी देने वाले इस वेब प्लेटफॉर्म पर वैकेंसी की घोषणा कर सकते हैं और जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं इस वेबसाइट पर अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं जिससे उन्हें रोजगार का मौका मिले। और ये अभी दिल्ली की गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार पोर्टल ऐप लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के साथ, किसके साथ? श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली की समझौता की। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो समझौता है ये नवंबर 2022 तक मान्य होगा। और इस करार से कोरोना संकट के बीच श्रीलंका को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए मदद भी मिलेगी। और यह जो करार के तहत आरबीआई श्रीलंका को उसकी करेंसी के बदले मौजूदा विनिमय दरों पर 40 करोड़ डॉलर देगा और बाद में इसी दर पर फिर सौदा होगा। यानी श्रीलंका सरकार आरबीआई से अपनी मुद्रा वापस लेकर 40 करोड़ डॉलर उसे लौटा देगी। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के लिए समझौता किया है। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही, मुख्यालय इसका मुंबई में। कहां पर? 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय इसका मुंबई में। और इसकी आरबीआई की फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो इसके गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अभी हाल ही में जो वर्ष 2021 में खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हो गए इसके चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा करेगा। कौन? हरियाणा करेगा। यानी इन खेलों का आयोजन पंचकूला में किया जाएगा और यह हरियाणा इसकी मेजबानी करेगा। जो चौथा संस्करण खेलो यूथ गेम्स का चौथा संस्करण 2021 में होगा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जुलाई 2020 में भारतीय मूल की नर्स कला जो नारायण स्वामी है इनको सिंगापुर में, कहां पर? सिंगापुर में कोविड-19 के दौरान
फ्रंट लाइन में सेवा देने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो कला नारायण स्वामी ये वुडलैंड्स हेल्थ कॉम्प्स में नर्सिंग उप निदेशक हैं। ये जो कला नारायण स्वामी हैं ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक हैं। और राष्ट्रपति पुरस्कार ये जो होता है ये उन नर्सों को मान्यता देता है जिन्होंने निरंतर बेहतर प्रदर्शन और रोगी की देखभाल, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में योगदान दिया हो। और इसी कारण कला नारायण स्वामी को अभी सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह साल 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी जो राष्ट्रपति पुरस्कार है, और यह 77 नर्सों को पुरस्कृत किया जा चुका है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2020 में सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ का 82वां, कौन सा, 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 27 जुलाई 1939 को ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी, और इसी कारण हर साल सीआरपीएफ अपना 27 जुलाई को स्थापना दिवस मनाती है, और अब की बार 82वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। और तत्कालीन अंग्रेज शासनकाल में इसे काउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम दिया गया था, और देश भर में पहले गृह मंत्री जो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ के तहत 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया था। यानी अब बात आई है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में जो भारत है उसने अपना दूसरा प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में स्थापित किया। जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो अपना दिल्ली में स्थापित किया था, और जो दूसरा प्लाज्मा बैंक है वो अपना तमिलनाडु में स्थापित किया। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में भारत सरकार ने अपना दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई। एक बार क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।